हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड्रॉयड यूजर्स आमतौर पे एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करते हैं और वो है फ़ोन में एड्स। कभी लॉक स्क्रीन पे एड्स, कभी पॉपअप एड्स, और ब्राउजिंग करते वक्त तो एड्स की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप अपने फ़ोन में एड्स को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में DNS सर्च करना है। यहाँ पे प्राइवेट DNS नाम की आपको एक सेटिंग मिलेगी, आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पे आपको मैन्युअली होस्ट नेम एंटर करने का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको dns.adguard.com ये एंटर करना है और सेव कर लेना है। ये URL एक एड ब्लॉकर की तरह वर्क करेगा और आपके फ़ोन से एड्स रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब जो दूसरी टिप है, इससे हम ब्राउज़र में काफ़ी एड्स रिमूव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपको उसकी सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ पे साइट सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, आपको उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ साइट सेटिंग्स में जाने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला एक एड्स, आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे एड्स को ऑफ कर देना है, और दूसरा पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, आपको इसे भी सिलेक्ट करना है और इसे ऑफ कर देना है। इन दोनों ऑप्शंस को ऑफ करने के साथ ही मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स में आपके एड्स अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आज की आखिरी टिप की तरफ। तो अगर आप ब्राउज़र की एड से कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं तो आप ऐसे ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जिनमें इनबिल्ट एड ब्लॉकर आता है, जैसे कि ब्रेव ब्राउज़र। अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो अगर आप प्ले स्टोर पर जाके एड ब्लॉकर सर्च करेंगे तो यहाँ आपको बहुत ही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये ऑप्शन बेसिकली ब्राउज़र्स ही हैं जिनमें इनबिल्ट एड ब्लॉकर आता है, तो अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारे ब्राउज़र एड्स को ऐसे रिमूव कर देंगे। तो गाइस, ये थे कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप अपने फ़ोन और ब्राउज़र में से काफ़ी सारे एड्स को रिमूव कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए ऐसे ही एंड्रॉयड के ऊपर टिप्स और ट्रिक्स लेके आने वाले हैं। तो ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।